गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट थर्ड से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है भाई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो फॉरेन कैपिटल क्या होती है। इन्वेस्टमेंट से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फॉरेन कैपिटल क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन कैपिटल का मतलब होता है कि वो पैसा जो कि भारत के अंदर फॉरेनर लगाते हैं, फॉरेनर जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं भारत के अंदर, जो पैसा लगाते हैं वो क्या कहा जाता है भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोली जाती है। चलिए देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कैपिटल क्या होती है। सबसे पहले, फॉरेन कैपिटल रेफर टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल है बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा क्या करना, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना किसी कंट्री के अंदर क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन ए कंट्री, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो कहाँ पे हो भाई, चाहे गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा लगाया जाए बाय द फॉरनर, क्या बोला जाएगा, वो पैसा फॉरेन कैपिटल बोला जाएगा भाई। फॉरेन कैपिटल इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड है फॉरेन कैपिटल में, फॉरेन एड्स भी इंक्लूड होती है, जो विदेशी सहायता जिसे बोल देते हैं, कॉमर्शियल बोरोइंग्स, जो कॉमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं उधार का पैसा भी शामिल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन इन इक्विटी कैपिटल, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इंक्लूड होता है भाई। एक चार्ट के द्वारा थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। चलिए, फॉरेन एड्स, जो फॉरेन एड्स होती हैं उसके अंदर ग्रांट्स होती है, नो रिपेमेंट, उन ग्रांट्स की नो रिपेमेंट्स, ग्रांट्स दे देती है फॉरेन गवर्नमेंट तो उनकी रिपेमेंट नहीं करनी होती, पहली फॉरेन एड्स। दूसरा है कंसेशनल लोन, फॉरेन गवर्नमेंट क्या कर देती है, कंसेशनल लोन प्रोवाइड कर देती है फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लोन भी दे देती है और नॉन प्रोजेक्ट लोन भी प्रोवाइड कर देती है, ये हमारी फॉरेन एड है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, अभी देखें एनआरआई बैंक डिपॉजिट्स, जो एनआरआई बैंक होते हैं उन बैंक्स के अंदर डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट बाय आरबीआई, जो इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा डिसाइड की जाती है उस रेट के ऊपर, लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक्स, लोन लिया जाएगा फॉरेन बैंक से, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होगा भाई, मार्केट वैल्यू के ऊपर लगेगा। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये हमें पढ़ना है भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक है एफडीआई और दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है भाई, और दूसरा क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यदि हम बात करें तो क्या होता है भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टर हैं भाई, कहाँ के इन्वेस्टर हैं, फॉरनर हैं भाई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट पैसा लगाना दूसरे देश में। कैसे लगाते हैं पैसा भाई, एस्टेब्लिश्ड फुल्ली ओन्ड कंपनी, एस्टेब्लिश कर लेते हैं फुल्ली ओन्ड कंपनी इन इंडिया बाय एमएनसीज, फुल्ली ओन्ड कंपनी से वो फॉरेन का मतलब ये मान लीजिए, चाहे अमेरिका चीन में इस्टेब्लिश कर ले, चाहे भारत अमेरिका भारत के अंदर इस्टेब्लिश कर ले, तो हमारे लिए वो फॉरनर माने जाएंगे। चलिए, इंडिया के लिए फॉरेन कोलाबोरेशन, सहयोग, विदेशी सहयोग और एक्विजिशन ऑफ परचेजिंग इक्विटी, ये सभी चीज़ें किसके अंदर शामिल है, एफडीआई के अंदर। एफडीआई के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर चाहे तो मर्जर और एक्विजिशन भी कर सकते हैं और चाहे तो नई कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है भाई, और फॉरेन कोलाबोरेशन भी किया जा सकता है इन केस ऑफ एफडीआई। यदि हम बात करें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होता है भाई, जीडीआर इशू करना, एडीआर इशू करना इन द फॉरेन कैपिटल मार्केट, ठीक है भाई, ये चीज़ें शामिल होती हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि केवल जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, उनका ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेयर करने का नहीं होता, वो अपना पैसा लगाते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं और निकल जाते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। परंतु इन केस ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, फॉरेन कैपिटल के बारे में समझा आपने, फॉरेन कैपिटल होती क्या है, फॉरेन कैपिटल में इंक्लूड क्या क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक
फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यदि हम बात करें तो देखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर इन इक्विटी डिबेंचर बॉन्ड्स एक्सेट्रा इन इंडियन कंपनीज। भारत की कंपनियों के अंदर क्या कर देना भाई, भारत की कंपनियों के अंदर विदेशी इन्वेस्टर्स के द्वारा इक्विटी डिबेंचर्स और बॉन्ड के अंदर पैसा लगाना फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से होती है, एफडीआई के रूप में और पोर्टफोलियो के रूप में। ठीक है भाई, चलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक चार्ट के द्वारा समझ लें। एफडीआई के अंदर कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन होता है, क्लियर है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर डोंट टेक ओवर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं किया जाता परंतु शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन होता है। चलिए इसके अंदर जो एफडीआई है उसमें क्या क्या काम किए जा सकते हैं, देखो एस्टेब्लिश होली ओन्ड कंपनीज, लास्ट में भी पढ़ा था हमने। एक्विजिशन बाय परचेजिंग ऑफ शेयर्स, एक्विजेट कर लिया जाता है कंपनी को, अमलगमेट कर दिया जाता है कंपनीज को, आपस में अमलगमेट भी हो सकती है, मर्ज भी हो सकती है, कैसे भाई, बाय इशूइंग या परचेजिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉरेन कोलैबोरेशन, विदेशी सहयोग के द्वारा भी एफडीआई होती है। पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, इसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इशू एडीआर जीडीआर एंड फॉरेन कैपिटल मार्केट, ईडीआर जीडीआर इशू की जाती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म, ऊपर लिखा भी हुआ है, क्लियर है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन कैपिटल ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या आवश्यकता है भाई फॉरेन कैपिटल की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, हमारे भारत के अंदर भी क्या आवश्यकता है, अदर कंट्रीज के अंदर भी क्या आवश्यकता होती होगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। चलिए, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंसिडर्ड ओनली एज ए स्टॉक ऑफ कैपिटल, हम इसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कैपिटल है, उसे हम केवल स्टॉक ऑफ कैपिटल नहीं कह सकते, कहना गलत होगा, बट एज ए समथिंग दैट प्रोवाइड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये इसके अलावा भी कुछ और है और जो कि हमें प्रोवाइड करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए नई मार्केट भी प्रोवाइड करती है। नीड्स आर एज अंडर, इसके साथ साथ कुछ नीड्स और भी हैं। लो कैपिटल फॉर्मेशंस, देखो भाई जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं उनके अंदर कैपिटल की फॉर्मेशन होती है वो लो होती है, उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए कैपिटल की नीड होती है, जो कि वो कैसे रेज कर सकती है भाई, बाय फॉरेन कैपिटल के रेज कर सकती है, वो फॉरेन से ग्रांट भी ले सकती है, बोरोइंग्स भी ले सकती हैं, या फॉरेन इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर के द्वारा इस उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, ताकि वो कंपनी अंडर डेवलप कंट्री के अंदर वो कंपनी क्या कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए, क्लियर है। लो फॉर्मेशन कैपिटल होती है अंडर डेवलप कंट्रीज में, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी हो जाती है। नीड फॉर हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि कोई कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है तो उसे हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट लोग करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने पैसे के डूबने का डर रहता है, इसकी वजह से जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती तो वो बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाता, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो पाती, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता महसूस होती है, ये भी नीड मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, देखो भाई भारत के अंदर जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं, भारत के साथ साथ जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर भी एक्सेस अमाउंट नहीं होती जो कि वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल करा पाए इंडस्ट्रीज को, जो हमारे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं, बिग स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको क्या प्रोवाइड नहीं कर पाते भाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाते। उनको प्रोवाइड करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट क्या कर लेती है भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सहारा लेती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है भाई, नेक्स्ट है एक्सप्लोटेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है
कि एक देश है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है परंतु जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लोअर टेक्नोलॉजी या बैकवर्ड टेक्नोलॉजी के कारण वो उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, एक्सप्लोटेशन होता है वहाँ पे, ख़राब होते हैं वो रिसोर्सेज, तो भी वो क्या कर सकती है भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर वे में यूज़ कर सकती है, बेटर प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है भाई, इसलिए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़रूरी मानी गई है। चलिए, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जो हमारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो बैकवर्ड क्लास की होती है, जो कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होती, परंतु जो फॉरेन जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो प्रॉपर एंड इफ़िशियंट टेक्नोलॉजी होती है, जिससे कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका 100% यूज़ किया जा सकता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा थ्रू FDI देन वो अपने टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर लेके आएगा, जिससे कि हमारे भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलप हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड का हो गया, जब ट्रेड के साथ साथ अदर एक्टिविटीज सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दिया जाता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर, तो क्या मान लिया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का संतुलन कब बिगड़ता है, जब हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, चाहे ट्रेड से रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड हो चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हो, यदि हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डगमगा जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा हमारे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रॉपर प्रोडक्शन कर पाती हैं, हमारे देश के अंदर पूर्ति होने के बाद हम उस बचे हुए जो प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कर पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है या संतुलन में आ जाता है। टू रिमूव द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए भी आवश्यकता होती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। फॉरेन एक्सचेंज के लिए आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमारे देश को भी कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ट्रेड करने पड़ते हैं, जिसके लिए फॉरेन करेंसी की आवश्यकता होती है। जब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में करता है, फॉरेनर इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में करता है, तो वो अपने साथ फॉरेन कैपिटल लेके आता है और इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता महसूस हुई, नीड मानी गई। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडस्ट्रीज के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ किसके कारण भाई, FDI के कारण, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी बेटर टेक्निक्स जो फॉरेनर होते हैं इन्वेस्टर होते हैं वो अपने साथ लेके आते हैं, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उनका भी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ये हमारे पास नीड थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या भाई, फॉरेन कैपिटल पॉलिसी के बारे में नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 1991 पढ़ेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई, यही हम इस टॉपिक से डील करेंगे भाई। सुनने के लिए थैंक यू, चलिए भाई।